हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, फराज कुकिंग चैनल में आज हम छोले भटूरे की रेसिपी बनाएंगे। इसको हम बड़ी आसानी से घर में बना सकते हैं। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। भटूरे की रेसिपी हम बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। चीनी 1 टीस्पून, साल्ट 1/2 टीस्पून, सूजी या सेमोलिना 1/4 कप, ऑयल 1/4 कप, योगर्ट 1/2 कप, यहाँ बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए होंगी। बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, और जो हमें मैदा या फिर ऑल पर्पज़ फ्लावर चाहिए होगा वो 4 कप। नीम गर्म पानी चाहिए होगा इनको बनाने के लिए। आइए हम इसको गूंदना शुरू करते हैं। मैदे के अंदर पहले हम चीनी या शुगर, साल्ट 1/2 टीस्पून, सेमोलिना 1/4 कप, सूजी, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अब थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर नीम गर्म पानी डालें। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं इसको भी बिल्कुल इसी तरह गूंदना है। पहले सारा जो आटा है इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। लास्ट में हाथों पे आल लगा लें और इसको चारों तरफ अच्छी तरह लगा दें। इस कवर किए हुए आटे को हम धूप में, माइक्रोवेव में या फिर ओवन के अंदर रख सकते हैं। जितनी हम इसको गर्म जगह पे रखेंगे तो ये जल्दी फूलेगा। 2 से 3 घंटे लगता है तो ये आटा हमारा जो जो है ये तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम इससे भटूरे तैयार करेंगे। अभी हम इसको 2 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देते हैं। मैं इसको ओवन के अंदर रख दूंगी। दूसरे स्टेप में चिक पीस मसाला या फिर छोले मसाला बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो भी आप नोट कर लें। प्याज पेस्ट, आप इसको चॉपर में पेस्ट बना लें, 2 बड़े साइज के प्याज, 2 बड़े साइज के टमाटर पेस्ट, जिंजर पेस्ट 1 टेबलस्पून, गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, स्पाइस में यहाँ रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर या टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, साल्ट या नमक 1 टीस्पून, मेथी 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से साल्ट और जो चिली है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। साबुत जीरा, क्यूमन सीड्स 1 टीस्पून, आमचूर पाउडर या फिर अनारदाना पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, 2 अदद यहाँ ये ड्राई चिली हमें चाहिए होगी। इसके साथ साथ 1/2 कप ऑयल का इस्तेमाल करना है। 2 कैन 800 मिलीलीटर का एक कैन है हमने इस्तेमाल करना है। आप इसको कैन से निकाल के अच्छी तरह धो लें चनों को। इसकी जगह आप उबले हुए चने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कप उबले हुए चने लेके उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाही या खुले मुंह वाला बर्तन लेके उसके अंदर 1/2 कप ऑयल डाल दें, 1 टीस्पून जीरा या क्यूमिन सीड्स डालकर 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसको भूनना है। इसके अंदर प्याज की पेस्ट डाल दें। अब इस प्याज की जो पेस्ट है ये हल्का सा कलर तब्दील करेगी। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको। इसके बाद हम इसके अंदर जो जिंजर और गार्लिक की पेस्ट है वो डाल देंगे। अब प्याज की पेस्ट को 5 से 7 मिनट के लिए भूनें। प्याज को भूनते हुए आप जो साबुत रेड चिली है ये डाल दें। प्याज के अंदर इसका फ्लेवर आ जाएगा।
अब इसके अंदर हम गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट डालकर इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है ये दूर हो जाए। बाद इसको हिलाते जाएं ताकि नीचे ना लगे। अब इसके अंदर जो टमाटर की पेस्ट है वो हम डाल देंगे, साथ ही ये चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट और मेथी हम अंदर डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मज़ीद इसको 5 से 7 मिनट भूनें। ये मसाला टोटल 15 से 20 मिनट लेता है और ये अच्छी तरह जब भुन जाएगा तो हम इसके अंदर, अब इसके अंदर ये हम उबले हुए चने डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लें, साथ ही ये गरम मसाला पाउडर, अनारदाना या आमचूर पाउडर डाल दें। अब इसको मीडियम आंच पर 10 मिनट के लिए भूनें। भूनते हुए अगर नीचे लगे तो थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल दें। चने भुन चुके हैं, अब इसके अंदर हम 2 से 3 कप पानी डाल देंगे। अब इसके अंदर कटी हुई ग्रीन चिली डाल दें। अब इसको हम मीडियम आंच पर 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। इसके बाद हमारे ये जो छोले मसाले हैं या चना मसाला है ये तैयार हो जाएगा। छोले मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर लास्ट में फ्रेश कोरिएंडर या धनिया डाल देंगे। अब इसको हम उतार लेते हैं और हम जो बतूरे हैं वो तैयार कर लेंगे। 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, आटा काफ़ी हद तक फूल चुका है। अब हम इससे पेड़े बना लेते हैं और फिर जो बतूरे हैं वो तल लेंगे। पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि ये ड्राई ना हो जाए और दोबारा से इनको इस तरह जब तक के ऑयल गर्म नहीं होता हम इसको कवर करके रखेंगे और बेल के इनके बतूरे बना लेंगे। आइए हम बतूरे बनाना शुरू करते हैं। कॉन्टोर को साफ करके थोड़ा सा ग्रीसी कर लें। अब एक पेड़ा उठाकर इसको उंगलियों की मदद से इस तरह फैला लें। अब इसको हम बेल लेंगे। बतूरे जो बनाने हैं इसको हमने पूड़ियों की तरह पतला नहीं करना, थोड़ा सा इसको हमने मोटा रखना है।
से जब हल्का गोल्डन भतूरा हो जाए तो इसको फ्लिप करके दूसरी साइड से भी इसी तरह आप उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।